बात अंदाज। साथियों, मेरा नाम समर खान है और आप देख रहे हो इस वक्त मेवात आज तक। यूँ तो मेवात के जो युवाओं के अंदर एक ना एक टैलेंट उभरता हुआ नजर आ रहा है और मेवात के जो युवा हैं वो लगातार कहीं ना कहीं शिक्षा की ओर ध्यान दे रहे हैं। पुनाना विधानसभा के नई गांव के अंदर मौजूद हैं और यहां से स्वयं ने नीट की परीक्षा पास की है। इसकी खुशी में इनका जो परिवार है वो फूला नहीं समा रहा है। स्वयं की बात करें तो स्वयं ने अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे नई गाँव और पूरी मेवात का नाम रोशन किया है। साथ ही साथ उससे आज हम बातचीत करने के लिए और उनको बधाई देने के लिए मेवात तक की टीम यहाँ पर पहुंची है। उनसे हम बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी उनसे जानेंगे। आखिर जो ये शिक्षा थी आपने किस स्कूल से की थी, किन यूनिवर्सिटी से की थी, किस कॉलेज से की गई थी और जो आपकी पढ़ाई हुई में उसमें सबसे ज़्यादा योगदान पापा का था, फिर मम्मी का था, किसका था, आगे की पढ़ाई आपने किस तरीके से कितनी कठिनाइयों का सामना किया था, नीट की परीक्षा को लेकर उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, पहले तो मेवात आज तक की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने नीट की परीक्षा पास की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपने जो ये मौका हमारे लिए दिया, शुक्रिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी जो 10th तक की पढ़ाई थी वो एक गवर्नमेंट स्कूल से ही की थी। वो स्कूल मतलब आपके गांव का था या? ये गांव का ही गवर्नमेंट स्कूल था। अच्छा। और उसके बाद 11th 12th में मेरे पापा ने नूह बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली थी, उसके तरीके से हम वहाँ गए और हम 11th 12th में मैंने कुछ अपने अब्बा जी का हाथ बटाया और कुछ स्कूलिंग करता था, उसी में इसके लिए थोड़ा टाइम निकाल कर पढ़ाई करता था। हाँ। बहुत मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली, जैसे बच्चे जाते हैं कोटा शिखर वगैरह, मैंने ऐसी कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने अपनी पढ़ाई सारी घर पे ही की थी। जैसे कि मेवात में आजकल बहुत सारे भाई ये बोलते हैं कि पढ़ाई में आजकल बहुत रुपया लगता है या फिर पढ़ाई हर किसी के बस की नहीं है, ये बात बहुत बहुत मतलब एक तरीके से गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी भाई सभी से, अपने बच्चों पर विश्वास रखो और उन्हें एक मतलब कि जैसे कि मैंने बिना कोचिंग के बिना किसी चीज़ के पढ़ाई की है और अपना नीट स्कोर 631 किया है इसमें, और इसी तरीके से आप लोगों के जो बच्चे हैं आप अगर उनको एक उनमें विश्वास डालते हो कि आप अगर पढ़ाई करते हो और अच्छे से विश्वास से अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर कोई भी काम करते हो आप उसमें ज़रूर सक्सेसफुल होते हो। कोचिंग कहाँ से की थी आपने? कोचिंग कहाँ से? मैंने कोचिंग वगैरह कहीं से नहीं ली, मैं अपने घर पे ही पढ़ता था। मतलब आपने कोचिंग नहीं ली, अपने घर पर ही पढ़ाई की थी आपने? हाँ, मैंने अपने घर पे ही की थी। हाँ। मेरे अब्बा जी हैं और बस मेरे अब्बा जी। सबसे ज़्यादा योगदान पढ़ाई में मम्मी ने किया फिर अब्बा जी ने, किसने किया आपका साथ? ये तो योगदान तो दोनों का ही सेम है, लेकिन मेरा आप किसका मानते हो सबसे ज़्यादा? हाँ, मेरे अब्बा जी मेरे साथ हैं हमेशा, मतलब ज़्यादातर अपने अब्बा जी के साथ रहता हूँ, लेकिन मेरी मम्मी भी मुझे बहुत वो मोटिवेशन करती थी जब भी मैं थोड़ा डिमोटिवेटेड होता था तो मेरी मम्मी कॉल करता था और उनसे बातें करता। आपका सपना क्या था, नीट की परीक्षा ही पास करना या फिर कोई और भी सपना? क्या सपना नहीं था? मेरा सपना ये है कि जैसे आज हम देख रहे हैं हमारे मेवात में कैसे हालात हुए पड़े हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आगे जाकर एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा और अपने मेवात के लिए कुछ काम करूंगा। मेरा यही एक सपना है, मैं अपने मेवात के लिए, अपने गांव के लिए, अपने बस्ती के लिए, अपने सभी भाइयों के लिए इंशाल्लाह। उन युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो जो फिलहाल रास्ते भटके हुए हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या मैसेज दोगे उन युवाओं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल हमारे मेवात में बहुत से युवा ऐसे हैं हाँ जो गलत लाइन में पड़ गए हैं। यह है कि बस एक बार मतलब कि ये नहीं, बस सारा सिस्टम यही है कि भाई पैसा नहीं होता है, पैसा आजकल ऑनलाइन सब कुछ आ गया है। अगर आप सर्च करते हो यूट्यूब, आज की डिजिटल दुनिया इतनी आगे है कि आप कुछ भी कर सकते हो, हर चीज़ पॉसिबल है। लेकिन मैं अब हमारे जो मेवात के भाई, ये कुछ लोगों ने मुझसे भी ये कहा था कि भाई तू घर पे बैठ कर नहीं कर सकता, ये पागलपंती है, तू घर पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। मैंने उनकी बात नहीं सुनी थी उस टाइम। आपको अपने ऊपर भरोसा था? यस सर, मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था, मेरे माँ बाप मुझे सराहना करते थे, मैं बस यही, मुझे अल्लाह ने आज मुझे कामयाब कर दिया बस। तो किस तरह की खुशी महसूस हो रही है आपके बेटे ने नीट की परीक्षा पास की है, इतना बड़ा काम क्या है आपके घर में, किस तरह की खुशी महसूस हो रही है? बहुत खूब खुशी हो रही है, बच्चा खूब बढ़े पढ़ाई करे, अच्छी खुशी महसूस हो रही है। खुशी हो रही है। तो आपने किस तरह का योगदान दिया आपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर, मतलब किस तरह की मदद की थी, क्या क्या कहा था, क्या बेटा खाकर दुआ करी, दुआ करी थी आपने सुबह सुबह जी?
साइम ने नीट की परीक्षा पास की है जी सर, अब पूरा सिरे आपके सर पर जाता है, आपने उसकी मदद की थी हर तरीके से, हर दुख की घड़ी में और हर कदम से कदम आप उसके साथ चले थे और वो कहीं ना कहीं आपकी बात के ऊपर पूरा उतरा है, आपकी बात को पूरा उतरा। तो साइम के लिए क्या कहना चाहते हो जिस तरीके से उसने नीट की परीक्षा पास की? जनाब साइम के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अल्लाह पाक ने इसको हमारी, हमने भी इसके लिए दुआ करी है, पूरे परिवार ने, पूरी बस्ती ने, और आगे चलकर ये एक अच्छा डॉक्टर बने और अच्छा देश की सेवा करे। और भी जो युवा हैं और जो और जो ये जो फंक्शन के अनुसार मैं ये सब सभी अपने सभी बच्चों को, अपने मेवातियों को, अपने गांव बस्ती को और कहना अपने देशवासियों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि गरीब रहकर भी, गरीब रहकर भी वो मंजिल छू सकता है जो आदमी सोच भी नहीं सकता। वही मेरे बच्चे ने गरीबी में रहकर ना कोई शिक्षा ना कोई कोचिंग, सिर्फ आत्मविश्वास, मैंने जो उसको बोला उसने मेरी बात को विश्वास किया और अपनी लाइन पे पढ़ाई बड़े से करता रहा। जो वो लोग कहते थे कि कहना मैं ऐसा कभी भी क्यों फिजूल बच्चे को तुम जिंदगी ख़राब कर रहे हो, मैंने कि भाई जिंदगी, जब मेरा बच्चा ये कह रहा है कि मुझे कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह एक दिन मैं कामयाब होकर रहूँगा, और वो दिन आज मेरे बच्चे ने खुशी का पल आज हमारे सबके सामने है। अच्छा दादी जी, आपके पोते ने पढ़ाई की इतनी बड़ी, अच्छा क्या है, तो आपने तो सर पे हाथ भी नहीं धरा, सर पे तो हाथ धर दो, धर दिया, अच्छी खुशी हो रही ना आपको? खूब खुशी, खूब खुशी हो रही है, खूब खुशी जी। आपके आपका जो भतीजा इस टाइम इसने नीट की परीक्षा की है, एक इतनी मेहनत करने के बाद, ना कि कोचिंग लिए, ना कि लोग की आप मेहनत करी, खुद ने मेहनत करी है, लोग की आप मेहनत करी, खुद ने मेहनत करी है, ऐसी मेहनत के लिए और साइम के लिए क्या कहना चाहते हो? हमने तो जी बहुत बहुत खुशी हुई, इतनी मेहनत करी है, छोरा रात दिन ना कोई कोचिंग लिए ना कुछ लिए, रात दिन अपन मेहनत में लगा रहा, अल्लाह ताला ने उसकी मेहनत भर दी, हमें तो बहुत ज़्यादा खुश हुए। सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी। बात अंडा।